अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 8:16-18 आयात। कोई आदमी चिराग जलाकर उसे बर्तन से नहीं छुपाता ना पलंग के नीचे रखता बल्कि चिरागदान पर रखता है ताकि जो अंदर आए उन्हें रोशनी दिखाई दे, क्योंकि कोई चीज़ पोशीदा नहीं जो जाहिर ना की जाएगी और ना छुपाई गई है जो जानी ना जाएगी और ज़हूर में ना आएगी। बस खबरदार कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा जो वो गुमान करता है कि मेरे पास है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदा में अजीज़ सामईन, सेंट पीटर एंड पॉल कैथीड्रल बिशप हाउस फैसलाबाद से मैं फादर फरहान सुल्तान आप सब की रूहानी बढ़ोतरी के लिए खुदा के कलाम को आम करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों, किसी ने कहा है कि अंधापन हमें चीज़ों से अलग कर देता है मगर बहरापन हमें लोगों से जुदा कर देता है। आज की अंजील मुकद्दस में यीशु मसीह भी सुनने पर जोर देता है। खुदाए कादर मुतलिक बाप ने इंसानी जिस्म को हवा से खमसा की नेमत अता की है, देखने की हिस, छूने की हिस, बोलने की हिस, सुनने की हिस और चखने की हिस। आज की अंजील मुकद्दस इन पांचों में से सुनने की हिस पर ज़्यादा तवज्जो देती है। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 8:18 आयत में यूं मरकूम है कि पस खबरदार तुम किस तरह से सुनते हो। सुनने से बहुत सारे रिश्ते कायम हो जाते हैं, सुनने से मसाइल आधे से ज़्यादा हल हो जाते हैं। अगर हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील पढ़ें तो मिलता है कि सुनने से हम मसीह की बेड़े बन जाते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 10:10 उसकी 27 आयत, मेरी बेड़े मेरी आवाज़ सुनती हैं। मुकद्दस लूका के मुताबिक सुनने से हम मुबारक बन जाते हैं। मुकद्दस लूका की अंजील 11:28 आयत में लिखा है, बल्कि ज़्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और अमल में लाते हैं। और मुकद्दस पलूस के मुताबिक हम सुनने से ईमान को हासिल करते हैं। रोमियो के नाम खत 10:17 आयत, सुनने से ईमान पैदा होता है, सुनने से शागिर्दियत के तकाजे पूरे किए जाते हैं। जो भी बंदा अपने उस्ताद की बातों को गौर से सुनता है तो उसे खुदा की तरफ से फजल हासिल होता है। आज की अंजील मुकद्दस में हम चिराग जलाने की तमसील भी सुनते हैं। ये तमसील अंजील मुतफिका में दर्ज है। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5:14-15 आयत, मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसका 4:21-25 आयत और फिर मुकद्दस लूका की अंजील उसका 8:16-18 आयत में। इस तमसील के ज़रिए हम सब को दावत दी जाती है कि हम खुदा की बादशाहत को आम करने के लिए अपने आप को तैयार करें। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के 8 की अगर हम 12 आयत पढ़ें तो यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ। फिर उस नूर ने अपनी रोशनी अपने तक ही महदूद ना रखी बल्कि अपने नूर से मुर्दा दिलों को रोशन कर दिया। और फिर मुकद्दस मत्ती की अंजील के 5:14 आयत में उसने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। अब यीशु मसीह जो कि नूर है और हमें भी नूर बना देता है, चाहता है कि हम इस नूर को अपने पास ही छुपा कर ना रखें बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में से अंधेरे को दूर करें। इसीलिए मुकद्दस लूका की अंजील 8:16 आयत में लिखा है कि कोई आदमी चिराग जलाकर उसे बर्तन से नहीं छुपाता ना पलंग के नीचे रखता है। मुकद्दस पौलुस रसूल भी इस बात का इकरार करता है कि मुझ पर अफसोस अगर मैं अंजील ना सुनाऊं। मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थियों के नाम
उसका 9 बाब और 16 आयत। अजीज भाइयों और बहनों, चिराग रोशन किया जाता है ताकि कुछ नज़र आए। जबूर नंबर 199 और आयत नंबर 105 में लिखा मिलता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम खुदा को जब हम खोलते और पढ़ते हैं तो ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे असूल और ज़वाबत मिलते हैं, जिन पर अमल करने से हम यीशु मसीह के सच्चे शागिर्द बनकर खुदा की बादशाहत का प्रचार कर सकते हैं। चंद असूल और ज़वाबत आज की पहली तलावत में भी दर्ज हैं। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की पहली तलावत अमसाल की किताब के 3 बाब से ली गई है, जिसमें मसीही ज़िंदगी की रूहानियत लिखी गई है। अमसाल की किताब, जिसे अबरानी में अमसाल सुलेमान भी कहते हैं, 4वीं सदी कबल अज़ मसीह में अबरानी ज़बान में तालीफ़ की गई। इस किताब में हमारे रूहानी फ़ायदे के लिए हिकमत की वो अहम बातें पेश की गई जिनके मुताबिक हर इंसान को अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। आज का इक्तबास भी चंद हदायात पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर लिखा गया है, नेकी करने से दरेग ना कर, हमसाए की जल्द मदद कर, बदी का मंसूबा ना बांध, बेसबब झगड़ा ना कर, जालम आदमी की रवश इख्तियार ना कर। ये वो बातें हैं जिन पर अमल करके हम मसीह के शागिर्दों की तरह ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो लेकिन हमेशा हमें ये याद रखना है कि शागिर्द की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो सुनता है। सुनने पर खुदाए कादर मुतलिक बाप ने भी जोर दिया है, जब उसने कहा, ये मेरा बेटा है अल महबूब, तुम इसकी सुनो। अब हम पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्या हम उसकी सुनते हैं जिसके लिए हमारे बाप खुदा ने हमें हुक्म दिया है? क्या हम एक दूसरे की सुनते हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं? क्योंकि सुनने से मसाइल हल हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि हम एक दूसरे की सुने, एक दूसरे की ज़रूरतों में उनकी मदद करें। खुदा करे कि हम आज के कलाम पर अमल करने वाले हों। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से। आमीन।